नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जून मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। कोरोना काल में लॉकडाउन और अनलॉक की लगातार असमंजस की स्थितियों के बीच बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से मजदूरों के नहीं लौटने से शहर में करोड़ों रूपए के काम ठप पड़े हुए हैं। शहर में ही करीब 3 करोड़ के छोटे निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद है। वहीं मुख्यमंत्री जन आवास योजना में निर्माण भी मंथर गति से चल रहा है। पंजाब में हाल ही में बड़ी सियासी घटना घटी। यहां बहुजन समाज पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल के साथ 2022 विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। मायावती ने इस गठबंधन को भले ही ऐतिहासिक करार दे दिया हो, लेकिन अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए उन्हें चुनावी साथी की सबसे ज्यादा जरूरत अपने महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में है। इतिहास ये भी बताता है कि छत्तीसगढ़ हो या हरियाणा, बसपा का एक गठबंधन पार्टी के तौर पर यूपी के बाहर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। जोधपुर जिले के भटिंडा, विश्नोइयों की ढाणी, व्यापाली के रोहट में भाकरीवाला व सांवलता खुर्द समेत लगभग 40 स्थानों पर रानीखेत बीमारी से ग्रस्त राष्ट्रीय पक्षी मोरों का टीकाकरण किया गया। सरकारी अमला पिछले एक पखवाड़े से प्रभावित क्षेत्रों में वैक्सीनेशन अभियान चला रहा है। जिला प्रशासन, पशुपालन व वन विभाग के अभियान में विश्नोई टाइगर्स वन्य एवं पर्यावरण संस्थान, विश्नोई टाइगर्स फोर्स, कामधेनु सेना, चेतना मंच जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता भी सहयोग कर रहे हैं। सरसों राणा में आई बंपर तेजी से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। अमूमन 3500 से 4000 रुपए क्विंटल बिकने वाला रायड़ा यानी कि काली सरसों 5200 से 6300 के भाव बिक रहा है। वहीं सरसों 6100 से 7000 क्विंटल तक बिक रहा है। सरकार ने रबी 2020-21 के लिए रायड़ा का समर्थन मूल्य 4650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया था। इस रबी सीजन में जोधपुर जिले के तिवनी, मथानिया, ओसिया, बावड़ी, बापिनी, फलौदी आदि क्षेत्रों में 1 लाख हेक्टेयर से अधिक की बुआई हुई थी, जहां 2 लाख मेट्रिक टन से अधिक उत्पादन हुआ। बीकानेर में कोरोना अब अंतिम पड़ाव में नजर आ रहा है। मंगलवार सुबह की रिपोर्ट में सिर्फ 9 पॉजिटिव केस रह गए हैं। शाम तक भी आंकड़े ज्यादा बढ़ने की आशंका नहीं है। शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पॉजिटिविटी दर भी काफी कम रह गई है। उधर पीबीएम अस्पताल में भर्ती रोगियों की संख्या अब 150 से कम हो गई। कोरोना कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बीएल मीना ने बताया कि अनेक क्षेत्रों में कोरोना नाम मात्र का रह गया है, इसी कारण अब सुबह की रिपोर्ट सिंगल डिजिट में रह गई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत की सोमवार को बीकानेर में तबीयत असहज हुई। कुछ जांच करवाने के साथ ही डॉक्टर्स को दिखाया। रात तक उनकी स्थिति सामान्य हो गई। डॉक्टर्स ने भी कहा कोई चिंता की बात नहीं। शेखावत बीकानेर में पूर्व मंत्री और अपने समधी देवी सिंह भाटी से मिलने और उनकी माता जी के निधन पर शोक संवेदना जताने आए थे। कोरोना की दूसरी वेव के चलते शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। उधर राज्य की स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों को आरटीई में निशुल्क प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन का इंतजार है। ऑनलाइन आवेदन कब शुरू होंगे इसको लेकर फिलहाल शिक्षा विभाग में कोई टाइम फ्रेम जारी नहीं किया गया है। आमतौर पर निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 3 अप्रैल में शुरू हो जाती है। एटीएस व इंटेलिजेंस ने कल देर रात फोन कॉल रिकॉर्ड के आधार पर सीमावर्ती जैसलमेर जिले में जासूसी करने के आरोप में एक युवक को पकड़ा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जाल में फंसकर हनी ट्रैप का शिकार हुए इस युवक से पूछताछ की जा रही है। एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले इस युवक पर खुफिया एजेंसियां काफी दिनों से नजर रखे थी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मंडल की 24 स्पेशल ट्रेन को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही 2 स्पेशल ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी की गई है। इन ट्रेनों को शुरू करने के लिए यात्री लंबे समय से मांग कर रहे थे। सीनियर डीसीएम अनिल रैना ने बताया कि ट्रेन नंबर 04704 लालगढ़ जैसलमेर डेली स्पेशल और ट्रेन नंबर 04702 लालगढ़ अबोहर डेली स्पेशल 18 जून, ट्रेन नंबर 02487 बीकानेर दिल्ली सराय डेली स्पेशल और ट्रेन नंबर 02467 जैसलमेर जयपुर डेली स्पेशल 19 जून तथा ट्रेन नंबर 04701 बठिंडा लालगढ़ डेली स्पेशल 20 जून से आगामी आदेशों तक निरंतर चलेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 3 साप्ताहिक चलने वाली श्रीगंगानगर दिल्ली अप डाउन रोजाना संचालित होगी। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल परिसर में संचालित इंदिरा रसोई से मरीजों और परिजनों व जरूरतमंद लोगों को दोनों समय घर जैसा शुद्ध खाना मिल रहा है।
उम्मीद अस्पताल में इंदिरा रसोई के संचालक सलीम खान ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा कोई भी भूखा नहीं सोए, इसलिए उनके द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से पूरे प्रदेश भर में शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। एक बार फिर धूल के गुब्बार ने कुछ देर के लिए बीकानेर को ढक लिया। एक घंटे बाद आसमान साफ होते ही उमस और गर्मी ने बेहाल कर दिया। अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31.6 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों तक बदलाव के संकेत दिए हैं। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच दिन और रात का तापमान कम नहीं हो रहा। जोधपुर में सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने सिवांची गेट शमशान रोड स्थित भूतेश्वर वन खंड में भूतनाथ महादेव मंदिर के पास सार्वजनिक हॉल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस निर्माण कार्य और अन्य विकास कार्यों के लिए विधायक सूर्यकांता व्यास ने विधायक कोष से 30 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच बीकानेर के अल्पसंख्यक नेताओं की ओर से यूआईटी चेयरमैन सहित प्रदेश के किसी निगम बोर्ड में अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए बनाए गए दबाव ग्रुप ने सोमवार को जयपुर पहुंच नेताओं के सामने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने ओएसटी देवाराम, काबीना मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी से मिले नेताओं ने पार्टी के प्रति अपने समर्पण और बुरे समय में भी दिया गया साथ याद दिलाया। जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त कमल चौधरी के निर्देशानुसार दस्ते द्वारा नियमित रूप से अवैध व अनाधिकृत निर्माणों तथा अतिक्रमणों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। आज दस्ते द्वारा ग्राम गंगाणी में किए गए अवैध अतिक्रमणों पर कार्यवाही की गई। हालांकि बीकानेर में 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए घर जाकर और मोबाइल वैन से टीके लगाने का अभियान शुरू हुआ है, लेकिन 18 से 44 वर्ष वालों को 2-3 दिन लगे टीकों के बाद फिर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। बीकानेर जिले में 18 से 44 वर्ष वालों की अनुमानित संख्या 10,83,398 है। इनमें से 1,79,080 को अब तक टीका लग पाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।